नमस्कार मित्रों, चैत्र मास में पहले पड़ने वाले रविवार को सूरज रोट का व्रत किया जाता है और सूरज भगवान की कहानी सुनी जाती है। सूरज रोट कैसे बनाएं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और सूरज रोट व्रत कब है यह भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस दिन सूर्य भगवान की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए और सूरज रोट के व्रत की उद्यापन की विधि भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कहानी इस प्रकार है, किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू दो रोट बनाकर रख लेना, एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाकर जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना ही होता है। माँ पानी भरने चली गई, बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा उसमें से मैं आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से मुझे दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर उस बाबा को दे गया। जब माँ आई तो यह देखकर बहुत नाराज हुई और बोलने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास में से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएं। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी नीचे डाल दिया। राजा ने वह चुल्लू भर पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी नीचे डाल दिया, राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ, उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे एक लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो, पानी पी लो, राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक भूख प्यास से परेशान था, उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कहा कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है, नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है, मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो मत, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई, राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियाँ, उसकी देवरानी जेठानी, उसके पुत्र और उसकी सुंदरता से जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया, लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी तो रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छिपा दिया। सूरज भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा, मेरे गरीब पीहर से आपके लिए उपहार आया है। राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार है। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्रता अवस्था में झल्लाई सी दिखाई दे रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लूँ, यहाँ आराम से रह लेगी,
इतने सारे नौकर चाकर हैं, कुछ काम कर लेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो जाएगी। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी और अन्य रानियाँ राजा से कहने लगी, नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन रही थी। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उससे कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहां से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारे पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई तरह के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापिस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापिस चलने के लिए मनाया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेजा। सेवक वहां गया तो देखता है वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है, कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब बात राजा को बताई। राजा को पहले ही शक था, उसने तलवार निकाली। गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला, सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख इस कहानी को कहते सुनते सभी को प्राप्त हो। बोलिए सूर्य भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार सूर्य भगवान का व्रत रखा जाता है और शाम को सूर्य भगवान के बनाए हुए रोट से सूरज को देखा जाता है और अर्घ दिया जाता है। बोला जाता है, ए भाई सूरज दिखियो दिखियो, दूसरी कहती है दिखियो सो टूटियो। इस तरह से कहते हुए अर्घ दिया जाता है और सबसे पहले सूर्य भगवान के इस रोट को खाकर व्रत पूरा किया जाता है। इस व्रत को ना तो किसी के साथ रोट को बांटा जाता है और ना ही इस रोट को जूठा छोड़ा जाता है। सूर्य भगवान के व्रत में सूरज रोट का बहुत अधिक महत्व है। आप सूरज रोट भी हमारे चैनल पर जाकर बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की विधि भी हम आपसे जल्दी ही शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी आज की यह जानकारी और कथा अच्छी लगी है, सूरज रोड स्पेशल कथा, आप हमारे चैनल को इसी तरह की जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।